गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों से मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि इन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो इसी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ करना पड़ रहा है। अभी तक मेरा काम अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है, शायद मुझे फिर से नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा घर क्योंकि ये प्रोसेसिंग होने में भी बहुत टाइम लगता है। आई होप आप लोग समझेंगे गाइस मेरा ये प्रॉब्लम। सो गाइस, मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत अपने किचन गार्डन से कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे चिलीज रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। मैं कुछ दिन घर में नहीं थी तो कुछ चिलीज तो पक भी गए हैं। अभी मैं सब चिलीज हार्वेस्ट करती हूँ। इस पॉट पे मैंने सिर्फ 4 ही पौधे लगाया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हार्वेस्टिंग किया है चिलीज, तो देखते हैं आज कितना मिलता है। इन दिनों मेरा कुछ ज़्यादा ही भागदौड़ हो रहा है, इसी वजह से मैं अच्छे से अपने पौधों की केयर भी कर नहीं पा रही हूँ। ये वाले चिलीज है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा तीखे हैं, पकने से तो और भी ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। आप देख सकते हो गाइस मुझे कितने सारे चिलीज मिले हैं। ये लगभग 200 से 300 ग्राम होगा। खुद के किचन गार्डन से सब्जियां तोड़ने का मज़ा ही कुछ अलग है गाइस। तो ये चिलीज देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस, नया करके लॉन्ग बीन्स लगाया गया है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लगाया गया है 3। यहाँ पे तो फूल भी आए हैं, देखिए बड़ा हो चुका है ये। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे तो बहुत सारे लॉन्ग बीन्स लगे हुए हैं। ये देखिए, एक हफ्ते के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए, और इस वाले में अभी तक फूल नहीं आया है, कुछ दिनों में आ जाएंगे। देखिए गाइस कितना सुंदर है, एकदम ऑर्गेनिक। देखिए गाइस कितना सुंदर है। ये देखिए गाइस मेरे कुछ बेर लगे हुए हैं, ये देखिए ज़्यादा नहीं, कुछ 8-10 ऐसा। तो मैं यहाँ से कुछ बेर तोड़ लेती हूँ। क्योंकि ये बेर का सीज़न नहीं है तो इसीलिए मैच्योर होने से पहले ही बेर अपने आप गिर जाते हैं, तो यहाँ से मैंने कुछ ले लिया। और यहाँ पे देखिए एक छोटू सा एक कुकुम्बर, इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। सो गाइस, अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है आम, अनारस और साथ में घर का अमरूद। ये देखिए गाइस, ये है ब्लैक मशरूम, इसे मैंने ड्राई करके रखा था, आज मैं इसको कुक करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है। मशरूम में गरम पानी डाल के मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें ऐड कर दिया है चॉप्ड ऑनियन। टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिली पेस्ट 2 चम्मच। ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक मशरूम को।
तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पानी, फिर इसका ढक्कन लगा के इसे 5-6 मिनट तक कुक करूंगी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर ताकि ग्रेवी अच्छे से थिक बन जाए। सबसे आखिर में इसमें ऐड करूंगी बेसिल लीव्स, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये देखिए गाइस, मेरा ब्लैक मशरूम बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। सो गाइस, ये है मूंग दाल, इसे मैंने कुकर में 8-10 सीटें आने तक कुक किया है। अभी मैं इसको छौंक लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ 5 पूरन, कुछ ब्लैक पेपर और कुछ करी लीव्स। तो सबसे आखिर में इसमें ऐड करूंगी घर का बनाया घी ताकि खुशबू बहुत ही बढ़िया हो। ये देखिए गाइस, मेरी दाल भी बन चुकी है। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ एमवे ऑफिस। यहाँ से मुझे कुछ सामान खरीदना है किसी को गिफ्ट देने के लिए। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे उन लोगों का प्रोडक्ट डिस्प्ले करके रखा गया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ काउंटर में, यहाँ से मेरे प्रोडक्ट को देख के दिया जा रहा है। तो ये मेरे प्रोडक्ट भी आ चुके हैं। पिछली बार मैंने एक फेस वॉश परचेस किया था यहाँ से, उसका कैप टूटा हुआ था। इसी वजह से इस बार मैं सभी फेस वॉश के कैप अच्छे से चेक कर रही हूँ। सो गाइस, अभी मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेस किया है। ये है एटीट्यूड का बी ब्राइट हर्बल फेस वॉश, इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका प्राइस है 381, मैंने टोटल 4 लिया है, ये किसी को देंगे हम लोग गिफ्ट में। और ये रहा एटीट्यूड का मॉइस्चराइज़र, ये फॉर ड्राई स्किन के लिए है, इसका प्राइस है 560। और ये वाला भी है मॉइस्चराइज़र, ये फॉर ऑयली स्किन, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, इसका प्राइस भी है 560। और ये रहा ग्लिस्टर का टूथपेस्ट, ये हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है, एकदम थोड़ा करके लेने से हो जाता है। और इसका प्राइस है 291, टोटल मैंने 5 लिया है। एक बात बता देती हूँ गाइस, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये देखिए गाइस, ये रहा पर्सोना का सोप, ये एक कॉम्बो पैक है, यहाँ पे टोटल 3 सोप रहता है। और इसका प्राइस है 172। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का खूब आनंद लेते रहिए।